हेलो गाइस, मूवी एंड वेब सीरीज के इतने बड़े समंदर में आपका फिर से स्वागत है। आज के रिव्यू में हम लाए हैं टॉप 10 बेस्ट स्पाई मूवीज। इसे देखने के बाद स्पाई मूवी पे तो आप PhD कर लोगे। हर देश के पास एक अपना खुफिया एजेंसी होता है जिसमें टेररिस्ट अटैक को पता लगाकर उसे रोकने का काम किया जाता है। ऐसी मूवी में हमें एक से एक बढ़ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गैजेट पे बनी वेपन देखने को हमें मिलती है, जिसके वजह से मूवी देखने का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आज ऐसे ही 10 बेहतरीन स्पाई मूवी लेकर आए हैं। नंबर 10 पे 2001 की एक्शन थ्रिलर पे बनी मूवी स्पाई गेम, डायरेक्टेड बाय टोनी स्कॉट। मूवी शुरू होती है नाथन से, जो अमेरिका के CIA एजेंट होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त को चाइना में बंदी बनाकर रखा गया है। मूवी में आपको शुरू से अंत तक देखना है कि क्या नाथन अपने दोस्त को छुड़ा पाता है या नहीं, क्या वो भी वहां जाने के बाद पकड़ा जाता है या नहीं, आप मूवी में देखिएगा। इस मूवी के एक्शन सीन और स्पाई स्किल देखकर आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। नंबर 9 पे 1994 की एक्शन कॉमेडी स्पाई मूवी 7.2 IMDb रेटिंग के साथ ट्रू लाइज, डायरेक्टेड बाय जेम्स कॉनन। मूवी शुरू होती है एक सेल्समैन से, जो असल में एक CIA एजेंट होता है। उसको पता चलता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से पूरे अमेरिका में तबाही आने वाला है। तभी उसको एक और बात पता चलती है कि उसकी वाइफ को किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मूवी में आपको देखना है कि ये दोनों सिचुएशन कैसे हैंडल करता है। मूवी के एक्शन सीन और कॉमेडी आपको जरूर पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राई करना इस मूवी को। नंबर 8 पे 2015 की एक्शन थ्रिलर स्पाई मूवी 7.6 IMDb रेटिंग के साथ ब्रिज ऑफ स्पीस। कहानी शुरू होती है एक रशियन आदमी से, जिस पर इल्जाम होता है कि वो आदमी एक रशियन स्पाई एजेंट है। क्या सच में वो रशियन स्पाई एजेंट होता है? अगर होता है तो क्या वो खुद को साबित कर पाता है या नहीं, यह बात कुछ और ही होती है। ये एक कमाल के स्पाई मूवी है जिसमें एक्शन सीन तो कमाल के है ही और सस्पेंस भी है। अगर आप स्पाई मूवी के फैन है तो इस मूवी को आप कभी भी मिस मत करना। नंबर 7 पे 2012 की एक्शन थ्रिलर स्पाई मूवी 7.7 IMDb रेटिंग के साथ स्काईफॉल, जिसे डायरेक्ट किए थे सैम मेंडेस ने। मूवी की कहानी शुरू होती है M16 के एजेंट से, जिसके ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक कर देती है, जिसके वजह से सारे एजेंट की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। मूवी में देखना है कि कैसे जेम्स बॉन्ड और M16 के एजेंट इससे बाहर निकलते हैं। मूवी के अंदर एक से एक एक्शन सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा, जो आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 6 पे 2014 की बेहतरीन स्पाई और कमाल के एक्शन मूवी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस 7.7 IMDb रेटिंग के साथ, जिसे डायरेक्ट किए थे मैथ्यू वॉन्ग ने। इसके अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरा पार्ट 17 सितंबर को आने वाला है। मूवी में दिखाया जाता है ट्रेलर शॉप को, जो असल में होता है किंग्समैन के खुफिया एजेंट का। उनका काम होता है सीक्रेटली दुनिया में होने वाले हमले को रोकना। ये मूवी में एक्शन सीन के साथ एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बने गैजेट और वेपन भी देखने को मिलेगा। अगर आप मूवी में नए नए गैजेट और वेपन देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही है। नंबर 5 पे 2010 की एक्शन थ्रिलर एंजेलिना जॉली की द ट्विस्ट। हम सभी जानते हैं एंजेलिना जॉली की हर एक मूवी में परफॉर्मेंस और उनका स्वैग चीड़फाड़ होता है। इस मूवी में इनकी एक्टिंग कमाल की है। मूवी में हमें दिखाया जाता है एक आदमी अलेक्जेंडर, जो गवर्नमेंट के 750 करोड़ टैक्स चोरी करके रशिया भाग जाता है। मूवी में देखना है कि एंजेलिना जॉली अलेक्जेंडर को कैसे पकड़वाती है, यह बात कुछ और ही हो जाता है। अगर आप एंजेलिना जॉली के डाई हार्ट फैन हैं तो ये मूवी आप कभी भी मिस मत करना। मूवी के एंड में एक ऐसा भयानक सस्पेंस रिवील होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। Not when you downgraded from murder, but when you upgraded from room service, it's quite serious. नंबर 4 पे एक और मास्टरपीस एंजेलिना जॉली की स्पाई मूवी साल्ट। ये मूवी नहीं भाई साहब, धमाका है। इस मूवी में एंजेलिना जॉली की एक्टिंग और एक्शन सीन ऑस्कर लेवल से भी ऊपर है। मूवी में हमें दिखाया जाता है एंजेलिना जॉली यानी कि साल्ट, जो अमेरिका के CIA एजेंट है। उन पर रशिया के एक स्पाई एजेंट दावा करता है कि साल्ट एक रशियन स्पाई एजेंट है। क्या सच में साल्ट एक डबल एजेंट होती है या उसे फंसाया जाता है? आखिर क्या है सच? अगर सच में साल्ट रशियन स्पाई एजेंट है तो आप जानते हैं अगर स्पाई एजेंट को पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या क्या किया जाता है। इस मूवी में आपको देखना है एंजेलिना जॉली अपने आप को कैसे साबित करती है। इस मूवी में एंजेलिना जॉली अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इस मूवी के एक्शन सीन देखकर आपका होश उड़ जाएगा। आप इस मूवी को जरूर जरूर ट्राई करना।
नंबर थ्री पे 2009 की हमारा फेवरेट एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर की शेरलॉक होम्स 7.6 IMDb रेटिंग के साथ, जिसे डायरेक्ट किए थे ग्रे रिचर्ड ने। इस मूवी के अब तक दो पार्ट आ चुके हैं। इसका तीसरा पार्ट 22 दिसंबर 2021 को आने वाली है। मूवी में दिखाया जाता है हमारा हीरो शेरलॉक होम्स शहर के सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव होते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा हीरो कर सकता है। एक ऐसा मिस्ट्री मर्डर केस आता है जिसे कोई नहीं सॉल्व कर पाता। मूवी में देखना है कि हमारा हीरो शेरलॉक होम्स इस केस को कैसे सॉल्व करता है। आखिर इस मर्डर के पीछे क्या रहस्य और मिस्ट्री छिपा, आप मूवी में देखिए। ऐसी मूवी को समझने के लिए दिमाग को टॉप लेवल तक ले जाना पड़ता है। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। नंबर टू पे 2005 की बेस्ट रोमांटिक स्पाई मूवी और एंजेलिना जॉली की एक और धमाकेदार मूवी मिस्टर एंड मिस्टर स्मिथ। मूवी शुरू होती है जॉन स्मिथ और जेनी स्मिथ से, जो एक कपल होते हैं। इन्हें आपस में अपनी एक दूसरे की आइडेंटिटी पता नहीं होती है कि ये स्पाई एजेंट हैं। एक बार अपने अपने एजेंसी से एक दूसरे को मारने की ऑर्डर आता है। क्या ये दोनों एक दूसरे को मार पाते हैं या नहीं? आखिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देता कौन है और क्यों? इसके पीछे किसका हाथ होता है, आप मूवी में देखिए। इस मूवी में आपको एक अच्छी लव स्टोरी देखने को भी मिलेगी और एंजेलिना जॉली की एक्शन स्वैग और मारने की स्किल देखकर आप इनके दीवाने हो जाएगा। ये कमाल की एक्शन सीन मूवी है। नंबर वन पे वन ऑफ द बेस्ट स्पाई फिल्म सीरीज मैन इन ब्लैक 1997 से 2019 तक इस फिल्म सीरीज में चार पार्ट आ चुके हैं। मूवी में हमें दिखाया जाता है MIB के कुछ एजेंट जिनका काम होता है दूसरे ग्रह से आए एलियन हमले को रोकना। इसकी आखिरी फिल्म इतनी कमाल की है कि इस फिल्म सीरीज को हमें लिस्ट नंबर वन पे रखना पड़ा। इस सच में ये लास्ट वाला भी कमाल की है। क्रिस हेम्सवर्थ जो एजेंट एच होते हैं, इनकी एक्टिंग और एक्शन सीन आपको दिल जीत लेगी। इस मूवी को आप कभी भी मिस मत करना, आप जरूर देखिएगा इस मूवी को। No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.